हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के गद्य खंड से पेज नंबर 93 में दी गई मोहन राकेश जी की एकांकी सिपाही की माँ इस पर चर्चा करेंगे। एकांकी यानी कि एक अंक की बहुत ही छोटी सी रचना। एकांकी को हम कहानी से भी तुलना कर सकते हैं। एकांकी और कहानी लगभग एक ही तरह की होती हैं, और आज की जो कहानी है वो बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि इसमें कई सारे किरदार हैं और उन किरदारों के बीच जो वार्तालाप हो रहा है वही इस कहानी को बहुत ही रोमांचक बनाता है। और अक्सर ऐसी कहानियाँ जिसमें बहुत सारे किरदार होते हैं और उनके बीच के छोटे छोटे से वार्तालाप, ये सभी चीज़ें कहानी को रोमांचक बनाती हैं। तो चलिए हम कहानी को पढ़ने से पहले मोहन राकेश जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी सन 1925 को चंडीवाला गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनकी बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, इनकी माता का नाम बच्चन कौर, इनके पिता का नाम करमचंद गुगलानी था। इनके पिताजी पेशे से वकील थे। मोहन राकेश जी के शिक्षा क्षेत्र में देखा जाए तो इन्होंने बहुत ही उच्चतर शिक्षा ग्रहण की है। इन्होंने ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों में एमए किया। इन्होंने कई सारी नौकरियां की, लेकिन इन नौकरियों में कई मतलब अधिक दिनों तक टिक नहीं पाए, क्योंकि इनका मन अक्सर नाटक और एकांकी में ही लगा रहा। इन्होंने कई सारे नाटक एकांकी की भी रचना की। इन्होंने कई सारे कहानी संग्रह हैं, जैसे कि इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, ये कुछ इनके कहानी संग्रह हैं। और मोहन राकेश जी हमारे हिंदी जगत की 20वीं सदी के एक बहुत ही कथाकार और नाटककार रहे, और हमारे नाटक के क्षेत्र में वे जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं। मोहन राकेश जी का निधन 3 दिसंबर 1972 को हुआ। मोहन राकेश जी की आज की जो एकांकी है सिपाही की माँ, इसमें इन्होंने जो सिपाही कहा है वो सिपाही है मानक, और सिपाही की माँ जो कि है बिस्नी, ये बहुत ही एक ग्राम इलाके की कहानी है। एक माँ बेटी और उसके बेटे की कहानी है ये, जिसका बिस्नी का एक लौता बेटा है मानक, जो कि सिपाही है और वो बर्मा में गया है लड़ाई पर, और उसी की चिट्ठी के लिए तड़पती है उसकी माँ, उसकी चिट्ठी आने की राह देखती है। और भी कई सारे किरदार हैं इस कहानी में। बिस्नी की एक बेटी भी है मुन्नी, जो कि 14 साल की है, और गांव में जैसे कि बहुत ही कम उम्र में ही शादी करवा दी जाती है। उसकी माँ भी अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित है, सोचती है कि उसका बेटा जल्द से जल्द आ जाए और वो अपनी बेटी की शादी करवा दे। इस तरह से कहानी में और भी कई सारे रोमांचक चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगी, कई सारे रोमांचक किरदार भी हैं। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। देहात के घर का आंगन अंधेरा और सीलदार, आंगन के बीचों बीच एक खस्ता हाल चारपाई पड़ी है। एक और वैसी ही चारपाई दीवार के साथ रखी है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हड़ियां पड़ी है। सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। खस्ता हाल मतलब यानी बुरी स्थिति, और अंगोछा यानी कि तौलिया। देहात का घर, वहाँ की भौतिक स्थिति कैसी है, उसका परिवेश ये बताया गया है यहाँ पर, कि एक देहात का घर है, उसके बीच एक आंगन है, और आंगन में एक बहुत ही टूटी हुई सी, जिसकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, ऐसी एक चारपाई रखी हुई है, और एक चारपाई दीवार के साथ खड़ी कर रखी गई है, और
दो तीन मिट्टी की हाड़ियां रखी हुई हैं और एक लकड़ी का दरवाजा है जो कि अंदर की तरफ खुलता है, और दरवाजे पर एक अंगोछा तौलिया रखा हुआ है और चारपाई पर एक फटी हुई सी होती सूख रही है, और बाई ओर जाने का एक रास्ता भी है बाहर जाने का, जिसमें कि केवाड़ नहीं है, दरवाजा नहीं है। पर्दा उठने पर बिसनी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखे पर सूत कातती दिखाई देती है। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं और बाल सब सफेद हो चुके हैं। मुन्नी उसकी 14 बरस की लड़की बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है। यहाँ पर बता रहे हैं कि बिसनी दिखने में कैसी है, बिसनी जो कि सिपाही की माँ है और मुन्नी जो कि बिसनी की बेटी है। बिसनी के चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं और उसके बाल पूरे सफेद हो गए हैं, और वो चरखा अपने आंगन में चारपाई पे बैठकर चरखा में सूता बुन रही है, ऐसा कुछ काम कर रही है वो। और उसकी जो बेटी है मुन्नी, वो 14 बरस की है, 14 साल की है, जो कि चौखट पर दरवाजे के साथ लगकर खड़ी है। उसके हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतरों की गुटरगू सुनाई देती है। बीच बीच में बिसनी थोड़ा खांस लेती है, फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। वहां पर मुन्नी के बारे में बताया गया है कि उसकी जो सलवार कमीज है वो मैली हो चुकी है, और चरखा चलने का जो आवाज़ है वो भी सुनाई दे रहा है, और कबूतरों के गुटरगू करने का आवाज़ भी सुनाई दे रहा है, और बीच बीच में बिसनी थोड़ी सी खांस भी रही है। फिर घोड़ा गाड़ी के चलने की आवाज़, घोड़ा गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। अब देखते हैं घोड़ा गाड़ी उसमें क्या है। मुन्नी कहती है, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। मुन्नी पीछे की ओर मुड़कर बहुत ही उत्तेजित स्वर में कहती है, मतलब बहुत ही खुशी की आवाज उसकी निकलती है कि डाक वाली गाड़ी आ गई, मतलब वो घोड़ा गाड़ी जो आ रही है वो डाक वाली गाड़ी है, जिसमें कि चिट्ठी लेकर आते हैं डाकिये, और बता रहे हैं कि वो अब जा रही है, चिट्ठी पूछ कर आती है कि चिट्ठी आई कि नहीं आई है उसकी। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिसनी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों की गुटरगू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। बिसनी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी सी लौट कर आती है। मुन्नी जब बाहर चली जाती है डाकी से पूछने कि उसके लिए कोई चिट्ठी आई है कि नहीं, तब बिसनी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है, यानी कि वो आशा कर रही है कि काश भगवान मेरे बेटे की चिट्ठी आज आ जाए। तो और कबूतरों के गुटरगू जो करने का जो स्वर था वो भी अब तेज स्वर से थोड़ा सा धीमा हो गया, और बिसनी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर जब देखती है तो मुन्नी बहुत ही निराश होकर वापस लौट रही होती है। बिसनी कहती है, क्यों री, डाक वाली गाड़ी ही थी। अब बिसनी मुन्नी से कहती है, क्यों रे, डाक वाली ही गाड़ी थी ना। मुन्नी कहती है, हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी। तो मुन्नी कहती है अपनी माँ से, डाक वाली ही तो गाड़ी थी माँ। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिसनी के मोड़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिसनी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। बिसनी बहुत ही चिंतित हो गई, चिट्ठी नहीं आई है और घोड़ा गाड़ी भी अब क्रमशः दूर चला गया है, यानी कि अब तो चिट्ठी सचमुच में नहीं आई है, और उसे बहुत ही चिंता होती है। बिसनी, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। बहुत ही ठंडी सांस लेकर चिंता के स्वर में कह रही है, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने मेरे नसीब में क्या लिखा है। मुन्नी कहती है, आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। फिर मुन्नी अपनी माँ को बताती है,
कि आसिफ चौधरी के पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई है। बिस्नी कहती है, ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में ले रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि दो दो महीने चिट्ठी ही ना लिखे। पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी, अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। अब बिस्नी मानक की माँ अपने बेटे के चिट्ठी का आने का इंतजार कर रही है, जो कि अब थोड़े से तेज स्वर में कहती है कि जाने ये डाकिया क्या करते हैं चिट्ठी के साथ, रास्ते में ही तो न रख देते हैं। और मेरा मानक तो ऐसा है नहीं कि वो मुझे चिट्ठी न लिखे। पहले तो वो प्रत्येक दो दो महीने में ही चिट्ठी, मतलब मुझे 15 दिन में ही चिट्ठी लिख देता था, और अब 2 महीने हो चले हैं और मुझे एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। कम से कम मुझे एक चिट्ठी लिखकर अपनी राजी खुशी यानी अपना हाल चाल ही तो बता देता। मुन्नी कहती है, माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। मुन्नी अपनी माँ से कहती है, तसल्ली देती हुई, कि माँ मेरा दिल कहता है कि अगले महीने भैया की चिट्ठी, मतलब अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी कहती है, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेती। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। यहाँ पर बिस्नी कह रही है मुन्नी से कि तेरा दिल तो हर मंगलवार को यही कहता है कि चिट्ठी आएगी, जाने किस्मत में क्या लिखा है, क्या खोट है जो चिट्ठी नहीं आ रही है, एक चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ रहा है। इस बार वो घर आए तब मैं उससे पूछूंगी, यही पूछूंगी कि इतने दिनों चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। मुन्नी कहती है, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि मैं बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं, माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही ना मिलती हो। मुन्नी समझा रही है अपनी माँ को कि माँ भैया ने पिछली चिट्ठी जब लिखी थी तो उसमें तो लिखा था कि वो बर्मा में जा रहे हैं लड़ाई पर, बर्मा जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते थे, अब बर्मा के नाम से जानते हैं हम, तो शायद उसी लड़ाई में अब भैया को समय ना मिलता हो चिट्ठी लिखने का। बिस्नी कहती है, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती है कि माँ को 4 हरफ लिख डाल दे। उसे यह नहीं पता कि मेरे चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन 2-4 हैं जिनके सहारे वह प्राण लेकर बैठी रहेगी। नदीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए। नदीदे यानी कि ना समझ अंधा, मतलब यहाँ पर अपने बेटे को कोसते हुए नहीं, प्यार से ही कोस रही है और कह रही है उसे इतना तो पता होना चाहिए कि उसकी माँ उसकी चिट्ठी के लिए, उसके खबर जानने के लिए कितना चिंतित होती है। और उसे ये पता नहीं है क्या कि मेरे और 2-4 बच्चे हैं जिनसे मैं अपने दिल बहला लूंगी, जिनके सहारे में रह लूंगी, वही तो एक है। कम से कम एक चिट्ठी तो लिख दे, उसमें अपना हाल चाल तो बता देता, इतना भी ना समझ है वो। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रख लेती है। फिर मुन्नी कहती है, तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। फिर मुन्नी अपनी माँ के गोद में सर रख कर बैठती है और नीचे, और फिर अपनी माँ को कहती है कि तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, समझाती है अपनी माँ को कि तुम फिक्र क्यों करती हो, देखना अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण निस्पर्धा बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई से समेटने लगती है और फिर बिस्नी मुन्नी को अपने गोद से हटाती है, उसका सर हटाती है और फिर से अपने काम पर लग जाती है, चरखा चलाने लगती है। और मुन्नी फिर से वही सब अपना काम शुरू कर देती है, सूखी हुई से धोती चारपाई से समेटने लगती है, तह करने लगती है उसे।
फिर मुन्नी कहती है बर्मा यहाँ से कितनी दूर होगा माँ। मुन्नी अपनी माँ से पूछती है वही काम करते करते कि बर्मा यहाँ से कितनी दूर होगा माँ। बिस्नी कहती है चौधरी कहता था कई सौ दूर है, जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जब जो उसके मुंह में आता है कह देता है। इस तरह से वो अपनी बेटी को जवाब दे रही है कि जाने कितनी दूर है, चौधरी तो कहता था कि यहाँ से कई सौ दूर है और चौधरी के तो मन में जब जो आता है वही कह देता है, उसे कुछ पता भी है कि नहीं किसे पता। मुन्नी कह रही है चौधरी यह भी कहता है कि वहां गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहां जाते हैं। और फिर मुन्नी कहती है अपनी माँ से कि माँ चौधरी तो ऐसा भी कहता है कि वहां की गाड़ी मोटर तो जाती ही नहीं है, वहां पर सिर्फ पानी वाले जहाज ही जाते हैं। फिर बिस्नी कहती है यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुन्द्र में पानी वाले जहाज देखकर आया था। और फिर बिस्नी मुन्नी से कहती है कि हाँ माँ हाँ रे कि मानक भी ऐसा ही कहता था कि वहां पर पानी वाले जहाज जाते हैं, लेकिन वो तो कलकत्ते से जाते हैं और मानक कलकत्ता में पानी वाला जहाज देखकर भी आया था। मुन्नी कहती है बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज में ही आती होगी, अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो। फिर कह रही है मुन्नी कितनी सरलता और मतलब 14 वर्ष की है वो लड़की और उसमें इतनी सरलता है, वो पूछ रही है अपनी माँ से कि माँ फिर तो चिट्ठी भी तो पानी वाले जहाज में ही आती होगी, अगर वो चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो। फिर बिस्नी कहती है ऐसी कालो जबान ना बोल, मुंह अच्छा ना हो तो बात तो आदमी अच्छी करे। माना कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए, इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। फिर बिस्नी मुन्नी से कहती है कि इतनी काली जबान मत बोल, मतलब ऐसे मत बोल, ऐसा कुछ खराब मत बोल, अच्छा अच्छा बोल। और माना कहता था कि जहाज बहुत बड़ा होता है और इतना बड़ा जहाज होता है कि उसमें 4 गांव समा जाए, इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। मुन्नी कहती है बहुत ही संकोच के साथ माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। मुन्नी बहुत संकोच के साथ अपनी माँ से ये बात करती है पता नहीं माँ, लेकिन चौधरी तो ऐसा ही कहता था कि रोज रोज कोई ना कोई जहाज डूब ही जाता है। फिर बिस्नी कहती है चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है, वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है, अपनी तिरिया के चरित्र को पता नहीं जहाज डूबने का पता है। फिर बिस्नी कहती है मुन्नी से चौधरी तो बड़ा जानता है, जाने कितनी लड़ाइयां लड़कर आया हो और दुनिया भर की सारी अकल उसी के पेट में है और यहाँ बैठे बैठे वो सब जान रहा है, अपने चरित्र के बारे में तो जानता नहीं है, जहाज डूबने का बड़ा पता है उसे। मुन्नी धोती तह करके अंदर ले जाती है, बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है, अधेर होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली इकलाती है। अब यहाँ पर है एक कुंती का किरदार, कुंती बिस्नी की पड़ोसिन है, उसके पड़ोस में रहती है और वो आई है अभी, वो आधी उम्र की है लेकिन स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य की लाली झलकती है यानी कि स्वस्थ है और वो देखने में अच्छी है। कुंती कहती है बिसंदेही आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। जैसे ही कुंती अंदर आती है बिस्नी से पूछती है बिसंदेही, इस तरह से बिस्नी को कहती थी वो कि बिसंदेही आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी कहती है आ कुंती, चरखा पुनी अलग हटा देती है और कुंती उसके नज़दीक जाकर बैठ जाती है, जो भी चरखा वरखा उसके आंगन में थी वो थोड़ा सा अलग हटा देती है, कुंती उसके पास आकर बैठती है। कुंती कहती है कहते हैं आजकल बर्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है,
कुंती कह रही है बिजनेस है कि सुन रही हूँ कि आजकल बर्मा में बहुत ही जोर की लड़ाई हो रही है। तो बिस्नी कहती है यहाँ से कौन बर्मा होकर आया है, लड़ाई का हाल वहाँ वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है। चौधरी रोज घर बैठा कब खबरें गढ़ता रहता है, मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। आज यह जो जी में आए कह ले सब सच है। इसी कुंती की इस बात पर बिस्नी कहती है कुंती से कि यहां से कौन बर्मा गया है कि वहां की खबर जानेगा, वहां के लड़ाई के बारे में जानेगा। बर्मा वालों को वहां के खबर की पता होगी ना, यहाँ गांव वालों को बर्मा के खबर की पता होगी। और चौधरी जो अपने घर में सारा दिन बैठकर बस खबरें गढ़ता रहता है, जब मानक आएगा तभी पता चलेगा कि चौधरी कितना विद्वान है, मतलब उसे कितना पता है बर्मा के बारे में। और अब तो ये चौधरी जितना भी कह ले बस वही तो सच है। कुंती कहती है बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई, धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है, ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली। सब चीजें जैसे विलायत चली गई हैं। तूने अभी इसके लिए कोई वर घर नहीं देखा? कुंती कहती है बिस्नी से कि जल्दी से वो वापस आ जाए मानक, तब अपने बहन के यानी कि मुन्नी के हाथ पीले कर दे, यानी उसकी शादी करवा दे, क्योंकि अब तो उसकी उम्र की सारी लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं। और जो एक उसकी और सहेली है धन्नो, उसका भी अब ब्याह हो जाएगा अगले महीने। और उसी की तैयारी के बारे में, धन्नो की तैयारी, शादी के तैयारी के बारे में यहाँ पर कुंती बता रही है कि बस 2 ही महीने तो बचे हैं सब करने धरने के लिए। सारा शहर तो ढूंढ आए, कुछ चीजें मिली तो कुछ नहीं मिली, जैसे कि सारी चीजें विलायत चली गई हो, विदेश चली गई हो। और फिर कुंती से कहती है कि मतलब कुंती कहती है बिस्नी से तूने अभी तक इसके लिए कोई मुन्नी के लिए कोई घर वर देखा कि नहीं देखा? बिस्नी कह रही है वर घर देख कर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। फिर कुंती बिस्नी कहती है कुंती से कि तुझे तो पता ही है कि आजकल लोग कितने हाथ बढ़े हुए हैं, यानी कितने दहेज मांग रहे हैं, और वर घर देख कर ही क्या करूं, मानक नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। फिर कुंती कहती है पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रख कर और कितनी बड़ी करेगी। मेरी धनों का अभी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है, अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं। लड़ाई का कुछ पता है ना, मतलब लड़ाई का कुछ तो पता है नहीं कि कितने दिन लगेंगे, तो लड़ाई खत्म नहीं होगी तो मानक आएगा कैसे। यही बातें चल रही हैं कि तू ये तो देख कम से कम उसके लिए मुन्नी के लिए उसे संभाल के तो रख कुछ, मेरी धनों को ही देख, 13 की है लेकिन फिर भी लोगों ने जान खा रखी है, मतलब अब जवान हो गई है, उसकी ब्याह शादी करा देनी चाहिए, जैसा कि गाँव में अक्सर होता है, बहुत ही छोटी सी उम्र में ही लड़कियों की शादियां करवा दी जाती हैं। और यहाँ पर इसी बात पर दोनों में वार्तालाप हो रहा है, कुंती में और बिस्नी में, कि धन्नो के लिए तो कुंती ने देख लिया है, धन्नो जो कि कुंती की बेटी है, 13 साल की है वो, उसके लिए जो भी उसका बड़ी हो गई है तो 13 साल की है, उसी में ही लोगों ने उसकी जान खा ली है। और तेरी तो बेटी 14 साल की हो गई है, इसलिए मानक के आने का इंतजार करेगी तो ठीक है, लेकिन कम से कम उसके लिए कुछ तो देखभाल तो कर कुछ। फिर बिस्नी कहती है
नहीं, वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा। उससे गए भी 7 महीने हो गए हैं। बिस्नी कहती है कुंती से, नहीं 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा मानक। वह कह कर गया था कि जल्दी से जल्दी आ जाएगा और वैसे भी उसके गए अब 7 महीने हो चुके हैं। फिर कुंती कहती है, हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिसंदेही, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है? लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। मानक जाने साल में आते हैं कि 6 महीने में आते हैं कि। यहाँ पर कुंती कह रही है बिस्नी से कि मानक पता नहीं साल भर में आए या फिर 6 महीने में आए, जो भी हो तू कहे तो मैं मुन्नी के लिए अब कुछ मतलब लड़का वड़का देखना शुरू करूं, क्योंकि लड़कियां तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, देखते देखते बड़ी हो जाती हैं। और अभी तो तेरी मुन्नी 14 साल की हो गई है। और फिर बता रही है कि लड़ाई का मुंह तो शेर का मुंह होता है, मतलब वो लड़ाई पे गया है शेर का, जैसे कि अगर शेर के पास कोई जाए तो वो बच कर वापस आए भी या ना, इस तरह से वो घुमा फिरा कर कुंती बातों को कह रही है बिस्नी से। ये कहानी जो आज हम पढ़ रहे हैं सिपाही की माँ, ये बहुत ही लंबी कहानी है। और अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, हमने इसमें तीन किरदारों के बारे में पढ़ा, एक कुंती, बिस्नी और मुन्नी, और मानक जो कि मानक जो कि सिपाही है। इसके बाद और भी कई किरदार हैं इस कहानी में। चूंकि ये कहानी बहुत लंबी है इसलिए हम इसे कई भागों में बांटकर तभी समाप्त कर सकते हैं। आज की कहानी हम यहाँ तक पढ़कर समाप्त करते हैं। थैंक यू।